हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैथ्स की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एएलपी ग्रुप टी आरपीएफ एसएससी जीडी और अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अभी तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। वो देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोस देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में जोत सकेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ये कराने वाला हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पे पता है कि ए जो है वो 2/5 भाग को 6 दिन में जोत सकता है। अगर मैं बोलूँ कि टोटल खेत का जितना भाग है उसको कितने दिन में जोत सकेगा और ऐसे बी कितने दिन में जोत सकेगा, तो अगर हमें वो पता चल जाए तो ईजिली क्वेश्चन हो जाएगा। तो वो कैसे निकालते हैं देखिए, अभी आपको पता है 2/5 भाग 6 दिन में जोत सकता है कौन, ए। तो ये अगर मैं बोलूं कि ए टोटल भाग को कितने दिन में जोत सकेगा, 2/5 भाग को 6 दिन में जोत सकता है, तो आपको उल्टा कर देना, 5/2 लिखो, 6 की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि टोटल भाग को 15 दिन में जोत सकेगा, ये आपको याद रखना है। फिर बी का भी बिल्कुल ऐसे करना है, 1/3 भाग को 10 दिन में जोत सकता है, तो टोटल भाग को कितने दिन में जोत सकता है उसके, 3/1 करेंगे यानी कि उल्टा करेंगे और मल्टीप्लाई 10 की कर देंगे, 30 दिन में। अभी हमें पता चल गया, बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया आपका जैसे नॉर्मली होता है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर लेता है, ये तो कंडीशन होती है हमारे नॉर्मल क्वेश्चन में, और ये हमने नॉर्मल हमने बना लिया यहाँ पे कि ए टोटल काम को 15 दिन में करता है और बी टोटल काम को 30 दिन में करता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और टोटल वर्क कौन सा हो जाएगा, ये 30 वो टोटल वर्क है, ठीक है। अभी यहाँ से हम इनका निकाल लेंगे, 1 डे वर्क, यानी कि ए एक दिन में कितना वर्क करता है, तो 30 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो ए एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है, और 30 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो बी एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट वर्क करते हैं। अभी क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि ए और बी मिलकर टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे, पूछा गया है कि 4/5 भाग को कितने दिन में करेंगे, तो आप बस इस टोटल वर्क का 4/5 भाग निकाल लीजिए। 30 का 4/5 भाग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 से कट जाएगा, ये कितनी बार, 6 टाइम, और 6 चौक 24, तो टोटल वर्क यहाँ पे यानी कि इतना ही वर्क करना है। तो 24 को कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलके एक दिन में 3 यूनिट वर्क करते हैं, तो 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 8 डेज में इसको इस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। एक खंभा 100 मीटर ऊंचा है, यदि इसकी छाया यानी कि उसकी जो शेडो है उसकी छाया की लंबाई 100√3 मीटर हो तो सूर्य का अनंतांश कोण क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, एक बार आप भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, एक खंभे की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर है, तो हमने मान लिया कि एक खंभा ये होगा, ठीक है, इसकी 100 मीटर ये ऊंचाई हो गई, और उसकी जो छाया है जो उसकी शेडो बन रही है वो कितनी है, वो 100√3 है, ठीक है। अब पूछा है उसका कोण क्या बन रहा होगा, अगर हम इस तरीके से खींचे इसमें तो उसका कोण क्या बन रहा होगा, तो ये आपको निकालना है, ये थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। अभी हमें पता है कि क्या पता है, हमें ये पता है एच, ठीक है, और बी यानी कि बेस, तो आपको पता है हाइट और बेस पता है और ये आप निकाल सकते हैं। तो h अपॉन b किसके इक्वल होता है भाई, थीटा के इक्वल क्या होता है, h अपॉन b, तो इसका मतलब हमें क्या पता है, a और b की वैल्यू पता है, a b c हम लिख लेंगे, a b की वैल्यू पता है और b c की वैल्यू पता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, a और b की वैल्यू कितनी है आपकी, 100 है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू आपकी इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो 100 अपॉन में बेस आपको पता है कितना है, 100√3, तो इसको भी हम लिख लेंगे। अब यहां से आप देखिए 100 से ये 100 कट जाएगा तो कितना बचा, 1 अपॉन में कितना, √3, ठीक है, 100 से 1 टाइम जाएगा ये, तो कितना हो गया आपका, 1/√3। अब 1/√3 के इक्वल क्या होता है, अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 10 30 डिग्री की, ठीक है, तो 10 30 डिग्री की वैल्यू आपकी 1/√3 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री इज द राइट आंसर,
यानी कि यहाँ पे ये कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वैल्यूज़ याद नहीं है तो इनको याद कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये पहले आ चुका है इसलिए मैंने इसको लिया है। नीचे लिखे पर्सन में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए सिंपली आपको सबसे पहले तो जो फ्रैक्शन है इसको सोल्व कर लेना है। चार सही, चार प्लस वन अपॉइंट टू लिखा है तो इसको क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, ठीक है। चार दूनी आठ एक नौ, तो 9/2 हो जाएगा। फिर इसको भी करेंगे तो ये 20/3 हो जाएगा, ठीक है, 20/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटू 0.30 है तो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा दें इस 3 के, यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 30 से 30 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो राइट आपका आंसर 9 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को बताने का मकसद ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, अभी जो ALP टेक्नीशियन का चल रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको विद इन सेकेंड आंसर लेके आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है और इसका आप बहुत ही आसान तरीके से आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये दे रखा है कि x का मान ज्ञात करें, नीचे दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें। तो अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये क्या है, ये सेमी सर्कल है आपका, तो ये कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। टोटल आपका 360 होता है तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। 180 में आपको 60 पता है तो नेक्स्ट ये जो बीच का हो गया 60 होगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू पूछी गई है तो आप ये खुद देख सकते हैं ऑप्शन से कि यहाँ पे ऐसा इस x की जगह क्या मल्टीप्लाई की जाए 4 में कि ये 60 बन जाए। तो 10 की करेंगे 40 हो जाएगा, 15 की करेंगे 15 चौका 60, तो इसका मतलब हमें 60 चाहिए और तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं नीचे आपको सोल्व कर रखा है, वहाँ पे आपको समझा देता हूँ किस तरीके से करना है। भाई देखिए यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 4x प्लस 60 डिग्री कितने के इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे प्लस, दोनों को कितना, 120 डिग्री प्लस 4x, इधर जाके ये हो जाएगा क्या, माइनस, तो बचेगा कितना, 60 डिग्री, ठीक है। इधर जाके माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिवाइड बाई 4, तो 15 आ गई, यही आपका राइट आंसर है। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे और इस तरीके से भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैं पहले बता देता हूँ पढ़ के, दिए गए पाई चार्ट में 31 मार्च 2004 को विभिन्न बैंक के क्रेडिट कार्ड से खर्च किए गए धन का भाग दिखाया गया है। तो यहाँ पे ना पाई चार्ट से भी आपका क्वेश्चन आया है, अभी जो अभी मैं एनालिसिस की थी शायद 20 तारीख के 21 तारीख का जो पेपर था आपका, उसमें पाई चार्ट से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, बहुत ही इजी होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा एक क्वेश्चन लेके आपको थोड़ा मतलब आइडिया दे दिया जाए कि एकदम से आपको पेपर में दिखे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये पूरा एडजस्ट नहीं हो रहा स्क्रीन पे, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कोई आपको पाई चार्ट मिलेगा, ठीक है, गोला करके या फिर कुछ भी ऐसा मिल सकता है, या कोई टेबल मिल सकती है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो उसमें आपको कुछ डाटा दे रखा होगा, तो यहाँ पे जो डाटा दे रखा है कि जैसे 15% सिटी बैंक का, 26%, इस तरीके से आपको ये दे रखा होगा, ठीक है। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यदि वर्ष 2003-04 में क्रेडिट कार्ड द्वारा खर्च किए गए कुल धन 20,555 करोड़ हो तो इनमें से स्ट्रेचर्ड बैंक कार्ड का भाग कितना है। तो यहाँ पे आपको बस ये देखना है, तो जो ये वाला बैंक है स्ट्रेंचर्ड बैंक, इसमें 15%, ठीक है, तो बस इसका ये इसका 15% है, तो 20,555 करोड़ का 55% निकाल लीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे निकाला है, तो इसका सीधा सीधा 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,083.25 करोड़, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। अब ऑप्शन में देख लीजिए, 3,083 करोड़ अप्रोक्सीमेट यहाँ पे दे रखा है यही, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें ही 2 है, मतलब इसमें क्या होता है कि एक पाई चार्ट आपको दे दिया जाता है और उसमें से आपको छोटे छोटे से बहुत ही इजी से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत आसान होता है, इसको देख के कभी घबराना मत। ये क्वेश्चन मतलब जो आपको नंबर मिलेंगे इसमें बिल्कुल फ्री के होते हैं। यहाँ पे दिया गया है HSBC कार्ड तथा स्टेट बैंक कार्ड द्वारा किए गए खर्च का अनुपात कितना है, तो एक बार देख लेते हैं इन दोनों के बीच में कौन कौन सा बोला गया है। एक तो बोला गया है स्टेट बैंक और एक बोला गया है ठीक है, ये बार लिखा है HSBC, ठीक है, तो ये 9% हो जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई, देखिए 9% और आपका 12% में रेशो पूछा है, तो बताइए कितना सिंपल सा ये है, तो निकाल लेते हैं।
बस आपको कुछ नहीं करना है, 9% लिखना है, 12% लिखना है, 3 3 9 और 3 4 12, 3:2 सॉरी 3:4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसमें कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आपको हार्ड बिल्कुल भी नहीं लगा होगा, ठीक है। और इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये बेसिकली पहले आपके बैंक में आते थे क्वेश्चंस पाई चार्ट के, अब थोड़े लो लेवल के क्वेश्चन मतलब कि जो इजी होते हैं वो आपके रेलवे में भी पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नहीं 14 संख्याओं का औसत 75 है, उनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 68 तथा अगली 6 संख्याओं का औसत 79 है, तो शेष संख्याओं का औसत होगा। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली 2 संख्या रह गई, 14 टोटल बोलिए तो 6 पहली दे दी और 6 बाद की दे दी गई है, और बीच वाली जो रह गई है 2 संख्या उनका औसत पूछा गया। तो कैसे निकालेंगे भाई, आपको टोटल पता है, टोटल सम यानी कि 14 × 75 करेंगे तो टोटल सम आ जाएगा इन्हीं सारी 14 संख्याओं का सम। फिर हम क्या करेंगे, 6 × 68 करेंगे प्लस 6 × 79 करेंगे, इन दोनों का प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे और जो भी डिफरेंस आएगा फिर उनको 2 से भाग कर देंगे। देखिए कैसे, शेष संख्याओं का योग अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे 14 संख्याओं का 75 दे रखा है आपको औसत, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से फिर माइनस क्या करेंगे, पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है 68, तो 6 × 68 करेंगे प्लस, फिर लास्ट की 6 संख्याओं कितना दे रखा है 79, तो 6 × 79 करेंगे, इन दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करके 1050, 408 और 474। तो इन सभी को प्लस करने के बाद में आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा इधर 1050 में से 882 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 162। 162 को आपको क्या करना है, ये जो समाया ये 2 वो संख्याओं का समाया जो बीच वाली छोड़ रखी थी, बस उनका ही पूछा है कि उनका एवरेज कितना होगा, तो इनको 2 से भाग कर देंगे क्योंकि ये 2 संख्या है, तो 84 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और मेरी कोशिश ये है कि जितने भी मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको करा सकूं जब तक आपका एग्जाम हो, फिर ग्रुप डी वालों का भी है, फिर आरपीएफ वालों का भी है, कोई भी टेंशन ना ले, आपको लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है आपको, यहाँ पे पूछा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, मतलब आप इसको देखते ही कर सकते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप विद इन सेकंड करेंगे, ये मेरा वादा है। यहाँ पे पूछा है ओ वृत्त का केंद्र है, एक्स का मान होगा, यानी कि एक्स का क्या मान होगा ये आपको बताना है, 80, 120, 135 और 27 डिग्री क्या होगा आप बता सकते हैं। अगर आपको इतना पता है कि जो साइड के जो आपके एंगल्स होते हैं, परिधि पर बने जो कोण होते हैं, उनका डबल यानी कि उनका दुगुना कोण मिडिल होता है, मिडिल में जो कोण होता है, जो आपका केंद्र का कोण होता है वो परिधि पर बने कोण जो यानी कि आपके जो साइड में कोण बने होते हैं उसका दुगना होता है। तो बस आपको यहाँ पे पता है ये कितना है 40 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो विद इन सेकंड का ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी कई जगह में पूछा जा चुका है, 2012 में भी है, 2017 में भी है, सॉरी 17 कह रहा हूँ, 2007 में या 8 में भी है, तो आगे भी आ सकता है मतलब, तो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो उसको कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है, यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु का दोगुनी हो जाएगी तो 5 वर्ष पहले दोनों की के बीच अनुपात क्या था। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, देखिए रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात अभी कितना है 3:1 है, यदि 10 वर्ष बाद का रेशो क्या बनेगा, आयु मीना की आयु का दोगुनी हो जाएगी, रीना की आयु मीना की आयु का। तो हम सबसे पहले इनका रेशो लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पे पहले जो अभी रेशो इनका कितना है प्रेजेंट में 3:1 का, और 10 वर्ष बाद का रेशो क्या है 2:1 का, यानी कि रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो इसका मतलब रेशो तो 2:1 का बन गया भाई। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके सामने दोनों रेशो आ गए हैं। ठीक है, आगे का स्टेप लेने से पहले आप एक चीज चेक कर लीजिए, दो रेशो आपके पास है, एक तो प्रेजेंट का और एक 10 साल बाद वाला, इन दोनों के बीच में डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम नहीं है, इधर 0 है इधर 1 है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस सेम करिए, डिफरेंस सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना है 2 का है, यहाँ पे कितना है 1 का है। ठीक है, तो इस 2 की तो आप नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 1 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 की तो करेंगे तो उतना ही रहेगा, तो ये आपका नया रेशो बन के आएगा, नीचे हमने ऊपर की 1 की तो 3 और 1 ही रहेगा, और नीचे 2 की करेंगे तो 2 में 2 की करेंगे 4 हो जाएगा, और 2 में 1 की करेंगे 1 में 2 की करेंगे सॉरी तो 2 हो जाएगा। तो ये आपका नया रेशो बन के आया। अभी आपको क्या करना है, इस रेशो को भूल जाइए, मतलब ये रेशो था ही नहीं आपके पास, ये सोचिए बस जो ये नया रेशो बन के आया है, टोटल वर्क टोटल काम इस रेशो से होना है।
क्या होना है, इस रेशो से होना है। अब यहाँ पे आपको पता है इनके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 1:1 हो गया, इक्वल हो गया। आपको पता है ये वाला रेशो इस वाले रेशो से कितना कितना ज़्यादा होना चाहिए, 10। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का, तो ये 10 का होना चाहिए क्योंकि ये 10 वर्ष बाद का रेशो है। तो 1 इक्वल क्या हो गया आपका, 10 हो गया। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि 10 वर्ष बाद इनकी जो रेशो है, सॉरी 10 वर्ष बाद ही पूछा है ना, सॉरी 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष वर्ष पहले दोनों के बीच का अनुपात क्या था, तो सॉरी ये 5 वर्ष पहले का पूछा गया कि 5 वर्ष पहले क्या था, तो कोई बात नहीं निकल जाएगा। अभी आपको क्या करना है, प्रेजेंट में इनकी वैल्यू निकाल लेनी सबसे पहले। अगर मैं इस 10 की मल्टीप्लाई 3 में कर दूं तो ये रीना की प्रेजेंट की आ जाएगी, और इसमें कर दूं तो मीना की प्रेजेंट की एज आ जाएगी। दोनों की मैंने 3 में किया तो रीना की प्रेजेंट एज, और 1 में किया तो 10 मीना की प्रेजेंट एज आ गई है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोनों में से 5-5 माइनस करूँगा क्योंकि ये प्रेजेंट है, और यहाँ पे पूछा कि 5 वर्ष पहले अगर जाए हम तो उनका रेशो क्या था, उनकी जो प्रेजेंट एज से 5 वर्ष पहले पहुंच जाए तो उसमें क्या रेशो था उनका, तो यहाँ पे इनकी एज 25 और 5 आ गई है। ठीक है, रीना और मीना की एज कितनी है कि 25 और 5 आ गई है, इनके बीच का रेशो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 5 25, 5:1 का आपका रेशो आ गया। ठीक है, 1 और 5, ठीक है, 5:1 का इनके बीच का रेशो आ गया, यानी कि 5 वर्ष पहले इनके बीच में आयु का रेशो क्या था, 5:1। ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस मेथड से करते हैं, अभी मैंने कैलकुलेट किया है इसको, थोड़ा लंबा लगा होगा आपको, बट ये बहुत ही छोटा सा, मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको छोटे से कोने के पेज में भी कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत चीज़ों को आप मतलब यहाँ पे डिस्कार्ड कर सकते हैं जिनको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। देखिए, एक आपका जो सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं साधारण ब्याज से, वो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करना है, चंचल ने 1800 रुपये की राशि 5% की दर से उधार दी, तो बताओ वह कितने समय में 2160 रुपये हो जाएगी। यहाँ पे 1800 से बढ़ के कितनी हो गई, 2160 रुपये हो गई है। कितना डिफरेंस आया, 360 रुपये का डिफरेंस आया, यानी कि इतने रुपये बढ़ गए। तो हमें पता चल गया कि कितना इंटरेस्ट लगा भाई, 360 रुपये लगा, 5% का हमें पता है, टाइम नहीं पता चल रहा कि कितने टाइम में लगा। तो बस आपके सामने ये भी है, प्रिंसिपल अमाउंट भी यानी कि मूलधन भी है, प्रतिशत रेट भी है, तो ईजिली कर लेंगे। तो कैसे करना है, 360 बराबर 1 यानी कि आपका ये 1800 1800 × 5 परसेंटेज होगी, टाइम आपको लिखना है, अपॉन में 100। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको भी कट कर सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं इस तरीके से तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने को बचे ही नहीं कुछ नीचे, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं 360, यहाँ पे इसकी 18 की 5 में करेंगे 90, टी बचेगा, तो 360 / 9, तो टी आपका आ जाएगा 4 ईयर, यानी कि 4 ईयर में ये 1800 रुपये 2160 रुपये हो गए। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं ALP टेक्निशियन में, कभी यहाँ पे रेट पूछ लिया जाता है, कभी यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है, कभी आपको ये SI दे दिया जाता है, और कभी कभी SI भी निकालने को दे दिया जाता है। वैसे SI निकालने के लिए यानी कि साधारण ब्याज निकालने वाला क्वेश्चन मैंने अभी तक देखा नहीं है, कुछ ना कुछ या तो टी निकालने के लिए बोलेंगे टाइम, या आर यानी रेट, या फिर पी यानी कि प्रिंसिपल मूलधन निकालने के लिए बोला जाता है। तो बहुत ही आसान है, और किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर जरूर करिएगा, और थैंक यू सो मच, आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। जो मैंने कल रात बोल दिया था कि मैं टेस्ट कंटिन्यू नहीं करूँगा, तो मैं बिल्कुल कंटिन्यू करूँगा, डेफिनेटली कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि आपने मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज किए हैं। और उस टाइम पे यार थोड़ा दिमाग मतलब मैं जो बोल गया था कि नहीं कंटिन्यू करूंगा, तो उसके लिए सॉरी भी, 11 बजे से आपका बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको बहुत फ़ायदा भी हो रहा है, तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखूंगा। और सॉरी मैंने आपको रात ये बोला था कि कंटिन्यू नहीं करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।